हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से बनाने की परंपरा बरसों से चली आई है। साल भर में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 नवरात्रि सिद्ध रहती है और 2 नवरात्रि गुप्त रहती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का विशेष महत्व भी बताया गया है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। नवरात्रि में माता की आराधना करने का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माता का विधि विधान से पूजन की जाए तो माता मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाती है। साथ ही शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको कर लिया जाए तो माता की कृपा अधिक बरसती है, वह माता जल्द प्रसन्न होती है। आइए उज्जैन के पंडित से जानते हैं विस्तार से। 9 अप्रैल से चैत्रीय नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए यह सारे उपाय हम पहले से ही प्रारंभ कर दें, जिससे कि माता रानी सदा प्रसन्न रहती है। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृतये भद्राय नियतः प्रणतास्पदाम्मा। माता के नवरात्रे 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं, चैत्रीय नवरात्रा। माता को प्रसन्न करने के लिए अपने घर की साफ़ सफाई करें। घर में जाले हैं या पुराना फैलारा इधर उधर पड़ा है, उसको साफ करके व्यवस्थित करके घर में गंगा जल, गौमूत्र आदि से पवित्री करें और माता के मंदिर को विशेष साफ सफाई करके वहाँ पर भगवती का कलश स्थापन करें। भगवती को प्रसन्न करने के लिए शुभ चिन्ह जैसे शुभ लाभ, स्वस्तिक, त्रिशूल, चंद्राकार, ओम, इन चिन्हों का अच्छी जगहों पर निर्माण करें और भगवती के लिए ज्योत धारण करें। अखंड ज्योत जो चलाते हैं वो अखंड ज्योत चलाएं और जो सुबह शाम का दीप लगाते हैं वो स्वच्छ दीपक में, काले पीले दीपक हो जाते हैं उसमें ही कई दिनों तक ज्योत लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं करें। साफ दीपक में, स्वच्छ दीपक में ही माता रानी को ज्योत स्थापित करें। जब जलते जलते दीपक में कालिमा आ जाए तो दीपक को परिवर्तन करें। ऐसा करने से भगवती प्रसन्न होती है। स्वच्छता में ही माता भगवती का वास है। जिस घर में स्वच्छता नहीं होती उस घर में माँ प्रसन्नता से आती नहीं है। जिस घर में स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, श्रद्धा से भगवती का स्मरण होता है, वहाँ पर भगवती का वास होता है। और एक बात कि घर में किसी प्रकार का क्लेश ना करें। यदि घर में 9 रात्रों में क्लेश होता है तो भगवती वहाँ से रुष्ट हो जाती हैं। खाने पीने में ये ध्यान रखें कि तामसी भोजन ग्रहण ना करें। मांस मदिरा, लहसुन प्याज, ऐसा 9 दिन तक कोई आहार ना ले जिससे कि हमारी पूजा में, हमारी स्तुति में, आराधना में व्यवधान उत्पन्न हो। इस प्रकार से माँ भगवती का आराधन करें, उपासन करें, जिससे कि भगवती प्रसन्न हो और अपने जीवन में खुशहाल एवं उन्नति की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।